नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर भारत और मैं आपके साथ प्रेम राज। जी हाँ, अभी हम खड़े हैं 90 फीट के इलाका यानी कंकड़बाग से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 90 फीट आता है। और यहाँ पे आज नवरात्रि का पहला दिन था तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे पूजा आराधना शुरू हो गई है और लोग यहाँ पे पानी का स्तर कम है तो काफी अच्छे से लोग पूजा कर रहे हैं। आइए यहाँ पे बात करते जो यहाँ के कार्यकर्ता है, क्या भैया कैसा तैयारी चल रहा है नवरात्रि को लेकर? नवरात्रि के को लेकर बहुत अच्छा तैयारी पर चल रहा है। यहाँ पे बौद्ध मंदिर के रूप में जो है इस पंडाल को बनाया जा रहा है और ये 7वां साल है यहाँ पे, है ना। तो हर बार हम लोग अलग अलग तरह का पंडाल का निर्माण करते हैं तो इस बार जो है बौद्ध मंदिर के तर्ज पे ये पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पे जो निःशुल्क खाना खिलाया जा रहा है, क्या यहीं से आयोजित है या अलग से उसका कुछ फंड? नहीं, सभी इन्हीं लोगों के मैंने अथी से जो है खास करके जो अभी बाढ़ का जो माहौल आ गया है तो बहुत सारे घर में भी गैस की प्रॉब्लम है, खाना बनाने का दिक्कत है, इसीलिए इन लोगों ने मिलकर जो है ये व्यवस्था की है लोगों को निःशुल्क खाना का खिलाने के। तो आइए यहाँ पे जो पुजारी जी पूजा करवा रहे हैं जिनसे उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना, क्या भैया क्या लग रहा है इस बार दशहरा को लेकर, क्या लगता है कि लोगों के बीच भीड़ कमेगी मेला को लेकर या क्या कुछ? ऐसा तो कुछ देखने में नहीं लग रहा, पर पानी इतना ज्यादा बारिश हो रही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर बारिश नहीं रुकती तो लोग कैसे घूमेंगे। पूरा पटना के पूरे सड़कें डूबे हुए हैं, यहाँ तक कि हम लोगों का पूजा जो मॉर्निंग में होना चाहिए था जो शाम में कर रहे हैं, सामान नहीं मिल पाया, लोग डूब रहे हैं, कोई सुविधा सरकार की ओर से ये तो है नहीं, अभी बहुत दिक्कतें आ रही है। अभी तक हम लोग आरती नहीं कर पाए पानी की वजह से और देख रहे हैं बहुत सारे पानी पानी ही रोड पे हैं। तो देवी माँ के तो हम लोग करते आए, देवी माँ से दुआ कर रहे हैं कि अच्छा हो, बारिश कम जाए और सरकार से भी दुआ करें कि जल्दी पानी का निकासी करें, नहीं तो ये पूजा कैसे मनाया जाएगा, पूरा पटना पानी ही पानी से हो रहा है, यही कहना चाहते हैं। तो आइए अब यहाँ पे आपको पंडित जी से भी बात करवाते हैं, उनका क्या कहना, क्या पंडित जी क्या लग रहा है इस बार पूजा को लेकर? पूजा को लेकर तो आज इस साल भगवती ने इतना बारिश दे दी है कि आज पूरा पटना पानी पानी है, लेकिन तब भी माँ की कृपा आशीर्वाद से सब ठीक ही होगा और सब लोग आनंद ही रहेंगे, पानी हट जाएगा धीरे धीरे, बारिश बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि दुर्गा पूजा का जो पहला दिन था वो शुरुआत हो गया है और यहाँ पे पूजा हो रही है। आइए यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे निःशुल्क भोजन का व्यवस्था किया गया है और यहाँ पे लोग अपने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निःशुल्क भोजन का व्यवस्था किया गया है आपदा को लेकर। क्या भैया कहाँ से हैं आप लोग, कहाँ से हैं? यहीं से हैं। आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं, कब से खाना खिला रहे हैं भैया, कितना देर से? 3 घंटा से खाना खिला रहे हैं भैया। कितने लोग लगता है कि यहाँ पे आके भोजन किया हमने? 1000 से ऊपर, 1500-2000 खा लिया। 2000 खा लिया? हाँ, 2000 लगभग है भैया, लगभग 2000। हाँ, तो क्या कब तक इसका रहेगा, कितने बजे तक आप लोग यहाँ? बस समाप्त है, आधा एक घंटा रहेंगे। आधा एक घंटा? तो यहाँ पे देखा जाए इनका कहना है कि आधा एक घंटा तक और ये लोग भोजन का वितरण करेंगे जो आपदा से फंसे हुए हैं, जो लोग आपदा में फंसे हुए हैं। पटना में बारिश का कहर लगातार जारी है, उससे बचने के लिए लोग कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ करके भोजन करके लोगों को भोजन करवा रहे हैं। आप कहीं नहीं जाइए, इसी तरह के छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर भारत। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर लाइक नहीं किया तो लाइक करें। धन्यवाद।